तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्टर 18 के यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी प्लॉट्स में पॉकेट 5D के बारे में, जिसकी काफ़ी टाइम से कमेंट भी आ रहे थे, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो आज जो फाइनली वो 5D का डेवलपमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, साइट पे ले जाकर दिखाऊंगा कितना इंक्रोचमेंट बचा हुआ है, क्या डेवलपमेंट है मौके पर, किस टाइप के वहाँ पे रोड है, सड़कें ये बन चुकी हैं, और आज की डेट में क्या प्राइस आपको देखने को मिलता है पॉकेट 5D के अंदर, कितना डेवलप हो चुका है और कितना अभी अनडेवलप ये पॉकेट रह गया। डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आपको पूरा डिटेल में आपको मैं दिखाने वाला हूं, क्योंकि इसमें अगर मैं कहीं ना कहीं बात करें, यहां पे 300 स्क्वायर मीटर के सारे प्लॉट आपको देखने को मिलते हैं सेक्टर 18 के अंदर। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो दोस्तों 12x25 आपको इसकी डायमेंशन देखने को मिलेगी। बाकी इसमें कितना अभी डिस्प्यूट चल रहा है, कितना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या ईडा का काम है, जो कितना भी अनडेवलप एरिया है, वो सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। बाकी रोड के साइज़ की अगर बात करो तो मिनिमम जो यहाँ पे 12 मीटर की रोड आपको देखने को मिलेगी, अदर साइड से अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो 24 मीटर, 18 मीटर ग्रीन बेल्ट, और फिर उसके बाद 45 मीटर रोड की कनेक्टिविटी भी आपको इस पॉकेट की जो देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी की देरी के आपको पहले मौके पर ले जाके पूरा डेवलपमेंट आपको दिखाता हूँ, क्या स्टेटस है आज की डेट में, करंट में क्या प्राइस है, वो सारी चीजें डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो दोस्तों, चलिए अब चलते हैं साइट। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों, आप यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे से एग्जिट 2C से एग्जिट करना है, जैसे ही आप वापस यू टर्न लेना पड़ेगा आपको, उसके बाद सर्विस लेन पकड़ के आप यहाँ से 30 मीटर के रोड को के साथ साथ आप यहाँ से आप एंट्री करेंगे, और सबसे पहला जो पॉकेट आएगा सेक्टर 18 का वो आता है 7A। तो 7A में अभी पूरा आपको दिख जाएगा कितना डेवलपमेंट हुआ है। चलिए, अभी हम पहुँच चुके हैं पॉकेट 7A के अंदर, और अभी यहाँ देखिए यहाँ पे कंप्लीशन का काफ़ी काम चल रहा है 7A के अंदर। और स्टार्टिंग में अगर राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये अछेजा बुजुर्ग विलेज के 7% किसान को डबल लौट आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ये 7A, यानी 7A के सामने ये 30 मीटर की रोड है, फिर उसके राइट साइड में किसान को डबल लौट होते हैं, गाँव की लोकल आबादी होती है। बाकी डेवलपमेंट की बात करें आज की डेट में, तो 7A में भी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। ऑलमोस्ट ये मेन जो एंट्री करते ही पॉश वाले अगर बात करें इसमें 7A की आई और जे ब्लॉक की, तो ये काफ़ी प्राइम लोकेशन के पॉकेट आपको देखने को मिलेंगे। और भाई सबसे बड़ी बात, अगर यमुना के अंदर आना है तो ये वाली एंट्री तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है, आई और जे की जो डिवाइडिंग रोड है, इस वाली एंट्री पे तो आपको ज़रूर आना है। यहाँ से आपको लगेगा प्रॉपर क्या चल रहा है यमुना के अंदर, और भविष्य क्या रहेगा इसका, वो सारी चीज़ें आपको देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो लाइन से कंप्लीशन बनना स्टार्ट हो गए हैं। धीरे धीरे यहाँ पे ना बसावट जैसी लगेगी आपको, जैसे पॉकेट में काफ़ी सारे मकान बन जाते हैं ना, जब आपको थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा ये, तो बहुत ही प्राइम लोकेशन लगेगी। तो इधर राइट साइड में जो है वो पॉकेट जे, और लेफ्ट साइड में मेरे है पॉकेट आई, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कंप्लीशन यहाँ पे बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये मोस्टली एंड यूज़र हैं जो एंड तक रखेंगे प्रॉपर्टी, वो लोग ही पैसा लगा रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर। बाकी विजिट तो हम मेन 5B का करने वाले हैं, लेकिन रास्ते से निकल के जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मिस नहीं की जा सकती है लोकेशन। यहीं से लगता है कि सेक्टर 18 का डेवलपमेंट जो वो सबसे बेहतर है, मतलब आसपास एरिया में 22D हो चाहे सेक्टर 20 हो, आसपास जितना भी एरिया है उसमें सबसे बेस्ट जो डेवलपमेंट यही पॉकेट लगते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर अच्छा लगता है एकदम आके। तो यहाँ कम बिल्कुल भी मिस मत करनी आप, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लेआउट प्लान ऑफ पॉकेट 5A एंड 5D सेक्टर 18। तो ये लेआउट का पूरा मैप लगाया हुआ है अथॉरिटी ने, और यहाँ पर भी कंप्लीशन बनना स्टार्ट हो गया। 5B के अंदर भी थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट आपको दिखाई सकता हूँ, जहाँ जहाँ पर इंक्रोचमेंट होगी वहाँ से हम रिटर्न होंगे, बाकी पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सो दोस्तों, पॉकेट 5D के अंदर अगर नंबर ऑफ प्लॉट की बात करें तो 410 प्लॉट आपको टोटल देखने को मिलने वाले हैं। रोड साइज़ की बात करें तो मिनिमम रोड जो आपको 12 मीटर की मिलेगी, फिर उसके बाद 18 मीटर, 24 मीटर और 45 मीटर से इसकी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि राइट साइड में इसके पॉकेट 3D लगता है। बाकी अगर इसमें बात करें कॉमर्शियल की, तो एक इसमें कॉमर्शियल भी आपको देखने को मिल जाता है, आने वाले टाइम में आपको इसमें कॉमर्शियल भी मिलेगा। इसके बाद बात करें फैसिलिटी हाउस की, तो दो दो यानी कि दो इसमें फैसिलिटी हाउस की व्यवस्था
व्यवस्था भी दी गई है जिसमें आने वाले टाइम में ये बन के कम्प्लीट हो जाएंगे, और बाकी एक फैसिलिटी हाउस में काम भी चल रहा है, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी फैसिलिटी भी इसमें, पार्क की बात करें तो इसमें काफ़ी एल टाइप में आपको 4 पार्क देखेंगे, काफ़ी बड़े बड़े पार्क हैं और एल टाइप में आपको देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी बड़े पार्क इसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसमें ग्रुप हाउसिंग की सोसाइटी के लिए भी आपको देख प्लॉट जो वो देखने को मिलेगा। इसके अगर ईडा के डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर रोड वगैरह का ये सारा काम चल रहा है। बाकी अगर मैं किसानों के डिस्प्यूट की अगर बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे आप जो भी एरिया देख रहे हो ये किसानों के डिस्प्यूट वाली जगह है, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये भी यहाँ पर जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाएगा और आने वाले टाइम में आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर पोजेशन मिल जाएगा, क्योंकि 64% मुआवजा बहुत ही जल्द क्लियर कर रही है अथॉरिटी धीरे धीरे हर गाँव के अंदर कैंप लगा लगा के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप मान के चलिए, इसका मेन पार्ट आप मान के चलिए, क्योंकि किसानों का जैसे डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे पूरा रोड सीवर लाइन और इलेक्ट्रिसिटी पोल वगैरह ये सारा पूरा डेवलपमेंट जो ईडा का वो आपको लाइव मौके पर देखने लगेगा। लेकिन अभी कोई खास ज़्यादा डेवलपमेंट अभी इस पॉकेट के अंदर है नहीं, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट थे तो वो धीरे धीरे जैसे ही क्लियर हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ ही डेवलपमेंट जो वो धीरे धीरे अथॉरिटी अपना बढ़ा रही है। बाकी इसमें नियर बाई आपको 7% किसान कोटा के प्लॉट भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें डेहरी विलेज आएगा, फिर उसके बाद उस्मानपुर विलेज रहेगा, तो उसके किसान कोटा प्लॉट भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इसमें बात करें आज की डेट में रेट के बारे में, सबसे मेन पार्ट है कि रेट के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों आज की डेट में आपको यहाँ पर 1.45 से स्टार्टिंग आपको जो एंक्रोचमेंट में भी होगा आपका प्लॉट वो भी आपको कम से कम 1.45 के रेट में आपको देखने को मिलेगा अनरजिस्टर्ड प्लॉट। बाकी रजिस्टर्ड की बात करें तो यहाँ पे 1.55 से स्टार्टिंग आपको रजिस्टर्ड प्लॉट मिलेगा जर्नल, बाकी लोकेशन वाइज जिसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। ठीक, सो दोस्तों पॉकेट 5D के अंदर ऐसा कोई खास ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, ये पॉकेट जो है वो धीरे धीरे ही आपको ये आने वाले टाइम में आपको पूरा फुल डेवलप यहाँ पर देखेगा। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ के बारे में पूरी डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो किसान कोटा प्लॉट से रिलेटेड हो, चाहे वो यमुना अथॉरिटी प्लॉट से रिलेटेड हो, या फिर प्रॉपर्टी में अदर ऑप्शन हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये था पॉकेट 5D का डेवलपमेंट, जिसमें आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में आपको जानकारी मिल गई होगी 5D के रिगार्डिंग। बाकी बात करें यहाँ पे ऐसा कोई खास ज्यादा चेंजेस हुआ नहीं है अभी अथॉरिटी के डेवलपमेंट में या फिर कोई भी एडिशनल डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि काफी टाइम पहले भी मैंने पॉकेट 5D की वीडियो डाली थी तो उसमें भी कोई खास ज्यादा अभी आज की रेट में अगर देखा जाए तो कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉपर्टी पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डिस्प्यूट के अंदर भी है तो वो आपको अथॉरिटी क्लियर करके देगी, आपका इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि किसानों से जितना भी डिस्प्यूट चल रहा है वो अथॉरिटी उसको तुरंत ही क्लियर करके आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द आपको पोजेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग हैं ये इस तरीके से कमेंट करते हैं, अब उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने यमुना एक्सप्रेस में अथॉरिटी प्लॉट की तरफ कभी विजिट तो किया नहीं है, लेकिन जो वीडियो जो वो काफ़ी दूर दूर तक लोग देखते हैं। अभी रिसेंटली की अगर एक सब्सक्राइबर की बात करूँ तो चंडीगढ़ से कॉल कर रहे थे कि भाई इस प्रॉपर्टी पर कब्जा तो नहीं हो जाएगा, तो सर उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है जिस जो कि यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के अंडरटेकिंग रहती है और इसमें किसी का कब्जा हो ही नहीं सकता, चाहे वो डिस्प्यूट के अंदर क्यों ना हो, चाहे किसी भी कोई भी डिस्प्यूट के अंदर लैंड हो या फिर प्लॉट्स हो, तो किसी भी टाइप का कोई कब्जा हो नहीं सकता क्योंकि अथॉरिटी की लैंड और इसमें बिल्कुल ही कोई कानून कार्रवाई की बात करें तो कोई कानून कार्रवाई भी इतनी सख्त होती है बहुत ही ज़्यादा, तो इसमें कोई कब्जे वाला सीन नहीं है, बिल्कुल सेफ प्रॉपर्टी है और आप इसमें 100% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कोई भी इंक्वायरी अगर एडिशनल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे स्क्रीन पर दो नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी बात करें यहाँ पे अदर इन्वेस्टमेंट की तो दोस्तों इसमें आप किसान कोटा प्लॉट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आज की डेट में आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ सेक्टर 18-20 के अंदर तो आपको कम से कम 17,000 से 18,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको आज की रेट में किसी भी साइज का प्लॉट जो वो मिल जाएगा। तो आप किसान कोटा का वाला ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली अगर एंड ऑफ ईयर अगर देखा जाए तो आने वाले दिसंबर तक इनका जो डेवलपमेंट है वो मौके पर होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद जो इसका जैसे मौके पर लग जाएंगे और रजिस्ट्री ओपन हो जाएगी तो कम से भी कम इनका जो रेट है वो 45,000 से 40,000 की डिमांड रहती है, फिर उसके बाद कम से कम 35,000 से 40,000 या 45,000 तक का भी सेक्टर 25 के अंदर रजिस्टर्ड प्लॉट 45,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से भी आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी रीजनेबल प्राइस पे आपको ये प्रॉपर्टी आज की डेट में मिल जाती है, तो इसमें बहुत लोग रिस्क ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई किसान बेईमानी होता है कि किसी भी कोई तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दोस्तों आई होप आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल गई होगी अबाउट पॉकेट 5D। बाकी मैं कोशिश करूँगा जितने भी सेक्टर 18 या
20 के अंदर जितने भी एंक्रोचमेंट वाले पॉकेट थे जिनका अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था मौके पे, तो उनके अंदर अभी आज की डेट में क्या डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे हर दिन में नए नए पॉकेट की इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। बाकी चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग ही इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, थैंक यू सो मच, बाय।